कहानी है इनकी मोहब्बत की. अम्मी से पूछो, अम्मी शर्म शर्माएंगे तो नहीं? अम्मी को इतना पता भी नहीं होगा. हाँ यार, तो बड़ा कुछ पता चल जाएगा अम्मी को, पता पकड़े जाएंगे दोनों. अम्मी को अंदर की बातें पता चल जाएंगी. बाद में पता चला. अच्छा, अम्मी को पता ही नहीं? नहीं. तो अम्मी या बेचारी अरेंज मैरिज समझ रही है? नहीं, अम्मी तो लड़कियां ढूंढ रही थी ना. आप लड़कियां ढूंढ रही? लड़कियां ढूंढ रही थी इनके लिए. कितनी अर्सा हुआ इनकी शादी? दो महीने. अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं होती. अभी 2 दिसंबर को बारात थी इनकी. अरे माशाल्लाह. अच्छा, तो आप लड़कियां ढूंढ रही थी? मैं तो लड़कियां ढूंढ रही थी. कुछ खानदान की लड़कियां भी मेरी नजर में थी. मैं उनको भी करना चाह रही थी. अच्छा, सबको धोखा दे दिया आपने. हरकतें कुछ चेंज होनी शुरू हो गई थी. क्या हरकतें चेंज होना शुरू हुई? इनको जब देख लिया था मैंने. कहाँ देखा इनको? इससे पहली मुलाकात हुई थी एक शादी में, एक रिलेटिव की शादी में. तो वहाँ मैंने इनको देखा तो ये पसंद आई मुझे. तो मैंने इनका फिर एड्रेस वगैरह निकलवाया. कैसे निकलवाया? जिनके थ्रू गए थे, कजन्स वगैरह से. ये जानने वाली थी, उनकी दोस्त वगैरह थी. हाँ. तो उनसे मैंने पता करा कहाँ रहती हैं, कहाँ पढ़ती हैं. तो पता चला यूनिवर्सिटी जाती हैं. ये लड़के होते हैं यूनिवर्सिटी के बाहर जो खड़े होते हैं. ये वो लड़के कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर जो खड़े होते हैं. अच्छा. तो ये गाड़ी में जाया करती थी. मैं इनके पीछे बाइक पे चला जाया करता था. जब ये यूनिवर्सिटी से निकलती थी और ये गाड़ी में जाती थी, आप इनका पीछा करते थे? साफ बोलो. मैं इनका पीछा करके घर पहुंचती. हाँ, ट्रैक करके घर छोड़ के आता था ना भाई. फिर एक दिन यूनिवर्सिटी में से मैंने बात करने की कोशिश करी तो बात हुई. हाँ. तो मैंने इनको कहा कि भाई आप अच्छी लगती हैं. हाँ. शादी करना चाहता हूँ. हाँ. तो इन्होंने कहा कि थप्पड़ तो नहीं पड़ा? नहीं, थप्पड़ फिल्मों में ड्रामों में तो ऐसे होता है. इनको भी शायद पसंद आ गया था जब थप्पड़ नहीं पड़ा. ये आदमियों को ये क्यों इतनी खुशफहमी होती है? इनको भी मैं पसंद आ गया था. नहीं, आपको क्या पता उसकी पहले से मंगनी हुई होती तो. फिर क्या पता? फिर चला कर ले आते. मगर नहीं, ठीक निकला. केस खराब नहीं था. केस खराब नहीं. तो फिर इन्होंने बोला कि आप घर वालों से बात करें. मैंने के घर का नंबर लिया. मैंने चले घर वालों से कर. आपको कैसे पता चला कि फौरन इस लड़के को घर भेजना है? क्या पता ये नाता ही ना हो. फिर कोई भी नुकसान हो सकता था. मैंने भाई कुछ ना कुछ खराबी हो सकती है. बच्चे पहले चेक तो करती ही. मेरे को 2-3 मुलाकातों के बाद भी. अच्छा, पता चल गया. खुशबू खुशबू आ रही होगी. कहते ना आजकल के बच्चे सिर्फ चेहरा देखते हैं. हमारी घर पे अभी तक नहीं बताया था. अच्छा, अम्मी लाइल थी बिल्कुल. लड़कियाँ ढूंढ नहीं पता. अम्मी लाइल पे लगी हुई. हम लगे हुए थे महाज पे. लड़कियाँ ढूंढ रहे हम लोग. कितने नाश्ते खाए, कितने चाय बिस्किट खाए, कितने खाने खाए. वो बड़ा बुरा तजर्बा रहा है ना. बहुत बुरा तजर्बा रहा. बहुत बस सलीकापन देखा इन दिनों हमने. अच्छा, बस सलीकापन बहुत ज्यादा देखा. नहीं, वैसे आप गई क्यों किसी के घर? हाँ, वही तो मैं आपने किसी लड़की को चेक कैसे किया? ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई. क्योंकि अब ये रिवाज खत्म होना चाहिए. मैं कैमरे में कह रही हूँ, इन लड़कियों की परेड और उनको चाय और पानी. ये परेड नहीं देखी थी मैंने. मैंने उनका सलीका देखा था. किस तरह से टेबल लगा रही है, किस तरह से सर्व कर रही है, वो चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आई. टिपिकल सास है. नहीं, आप बताएं, अपने जैसी चाह रही थी. नहीं, आपकी बेटी बिल्कुल परफेक्ट मेज लगाती है. माशाल्लाह. चलो फिर. माशाल्लाह. होगी ना, वो बिल्कुल मेरी तरह बन रही है. इन्होंने फिर रिश्ता, मतलब इन्होंने पता नहीं चला था घर पे ना, तो इनकी थोड़ी हरकतें पता चल रही है. क्या हरकतें कर रहे थे ये? उल्टे नाच रहे थे क्या कर रहे? बस हर वक्त मोबाइल. पहले ही मोबाइल में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इनका. और अब हर वक्त मोबाइल रखा है तो रखा है, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है. चार्ज नहीं है तो भी कोई मतलब. 8 साल का बेटा भी हर वक्त मोबाइल पे लगा रहता है. नहीं नहीं, इनको इंटरेस्ट नहीं था. फिर बाद में इनका इंटरेस्ट देखा था, चेंज आ रहा है. मांगू में समझ रही थी इस चीज को कि हर वक्त अम्मी चार्जर कहाँ है, चार्जर कहाँ है, इतनी % चार्जिंग रह गई ये मेरी. फिर उसमें पासवर्ड भी लग गया. पहले पासवर्ड भी नहीं होता था. अच्छा, फिर तो जाहिर है शक होना शुरू हुआ. अब आपको कुछ स्मेल आने लगी कि ओहो. घर पे आ रहे, खाना खाकर आया हूँ मैं. ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बगैर तो खाते नहीं थे ही खाना. जब तक अम्मी पापा साथ नहीं होंगे खाना नहीं खाएंगे. अच्छा, दूसरा ऑफिस की जगह मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ. ये अम्मी को कैसे पता चला? सैलरी आधी आ रही ऑफिस कट कट के आ रही है. सैलरी कट कट के पैसे भी तो कट गए. कट गए फाइनेंशियल पैसे कट रहे. सैलरी आ रही. बेटा तुम तो रोज जा रही हो. अच्छा, पैसे ऑफिस नहीं जा रहे, तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो और छुट्टी की वजह से सैलरी कट रही है. यूनिवर्सिटी टाइम पूरा करने के बाद हाफ डे में ऑफिस जा रहे हैं, ये तो आधी सैलरी कट रही है वो. तो ये ज्यादा देर तो नहीं हुआ नुकसान? जल्दी से शादी कर लिया? नहीं, फिर मैंने इनको कुरेदा थोड़ा. बेटा मसला क्या है तुम्हारे साथ? फिर वो ये अम्मी वो अम्मी.
मैंने कहा बेटा मैं लड़कियां देख रही हूँ, शादी करना चाह रही हूँ, चलो कोई मसला नहीं, लड़कियां देख रही हूँ, खानदान में दो तीन बहुत प्यारी लड़कियां हैं, तो मैं जिसको बोलोगे मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। नहीं अम्मी वो ये है मसला, एक लड़की है ये वो। मैंने कहा कौन लड़की है, मुझे तो गुस्सा आया कौन लड़की। फिर उन्होंने अपने मोबाइल में मुझे तस्वीर दिखाई। अच्छा तो आपने कहा ये लड़की चाहिए। फिर उन्होंने बोला आप उनकी वालदा से मिलने बात कर लें। फिर उन्होंने फोन पे मेरी बात करवाएंगी वालदा से। अच्छा तो वो कुछ बेहतर लगा। तो ये कहानी है, ये कोई ट्विस्ट आया था बीच में, समाज की दीवार आई थी, बहुत आई थी। तो बताओ ना कौन बताएगा, बहुत आई थी तो शादी के वक्त आई थी थोड़ी बहुत। जब पता चला सबको कि लव मैरिज हो रही है ये, तो बहुत लोगों ने मतलब पंगे डाले। असल में इनके खानदान में इनके लिए भी बहुत सारे रिश्ते थे, तो कुछ वो लोग भी करना चाह रहे थे कि नहीं नगीन हमें चाहिए। अच्छा। उनका कुछ ये था कि नगीन हमें चाहिए। तो ये अब नगीन ने हमारे बेटे को पसंद कर लिया था। अच्छा। ये मसले मसाए चल रहे थे, कुछ खानदान के इनके थे लड़के जो इनके पेरेंट्स पे थोड़ा प्रेशर डाल रहे थे। ये मसला हो गया था। ओके ओके। फिर डेढ़ साल हमारी थे मंगनी हो गई थी, डेढ़ साल मंगनी। उसके बाद फिर हम लोग बगैर घर वालों से पूछे घूमते फिरते रहे, खूब एंजॉय, खूब घूमे फिरे। गोल्डन पीरियड। हाँ। बंद कबाब खाए, समोसे खाए, टिक्के विक्के सब खाए, चाट छोले, गड़बड़ घोटाला क्या होता है। इसीलिए घर में सैलरी कमा रही थी, उधर लग रही थी, उधर लग रही थी, ऑफिस से कट के मिल रही, फिर उधर लगती रही थी। तो फिर थोड़ा सा मसले मसाए चले मंगनी के बाद, थोड़ा फिर शादी पे तो बहुत ही मंगनी हो गई। फिर हमने सख्ती शुरू करी, बेटा अब तो रेगुलर ऑफिस जाओ, तुम शादी करनी है, कुछ करना है, नहीं करना है। फिर शादी पे क्या पंगा हुआ, झगड़ा हुआ? शादी पे यहाँ छोटे मोटे झगड़े होते हैं, जैसे नाराज हो गए फूफा, नाराज हो गए मामू, नाराज हो गए वो बैठे। जैसे माइयों पे मैंने वो क्या नेक दिया मैंने सालियों को, पहले से बोले मैं नेक नहीं दूंगा, माइयों नहीं होने दूंगा। नेक क्यों नहीं दिए तुमने? कितनी सालियाँ भाई? दूध की रसम भी नहीं होने दूंगी, मैं गाड़ी रोकने की रसम भी नहीं होने दूंगी, जब नेक नहीं दिया तो कुछ नहीं करने दूंगी। खराब हुआ थोड़ा सा, फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा ठीक है हम नेक नहीं देंगे तो आप भी जरगाम की सलामी नहीं करेंगी। नहीं आप ऐसी बात ना करें, ऐसी बात ना करें, सलामी तो हम करेंगे। हाँ। मैंने कहा तो ठीक है हम नेक नहीं देंगे, आप सलामी नहीं कीजिएगा। हाँ। निका पहले हो गया था, निका में भी बहुत पंगे, निका में मतलब मुझसे जब निका हो रहा था मेरा साइज सिग्नेचर वगैरह ले रहे थे, तो जल्दबाजी हो गया था और अम्मी साथ नहीं थी, मैं साथ नहीं थी, मैं बाहर कॉल पे लगी हुई, किसी को एड्रेस समझा रही थी, अंदर निका हो गया, बाहर फोन पे लगी हुई, पता चले निका हो गया। फिर तो मुझे और ज्यादा गुस्सा, नहीं तो निका में कोई मकान वकान तो नहीं लिखवा लिया? कोई नहीं था ससुराल से मेरे, कोई भी नहीं था। वो इधर मेरी सास मेरे पर बहुत जल्दी थी, बहुत जल्दी थी, सास का इंतजार कर रहे थे, बहुत जल्दी थी सबकी। फिर दोबारा पढ़ाया क्या? क्या नहीं नहीं पढ़ाया, फिर वो इनकी अम्मी जो थी बस अम्मी आई है, एक्शन रिप्ले। नहीं वो असल में फिर जब मुझे थोड़ा गुस्सा, इनकी अम्मी के थोड़े हाथ पांव खुल गए, नहीं नहीं आप परेशान हो, अभी जरगाम का भी तो करवाना है ना, उसके साइन करवाने, ये करवाने, तो उस टाइम आप आगे आगे रहिएगा। मैंने कहा तो मेरा बेटा होगा जाहिर, तब तो मैं आगे रहूंगी। फिर इनकी अम्मी मेरा हाथ पकड़ के अपने साथ 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 रखी, बच्चे माशाल्लाह दोनों ही एक दूसरे को इतना पसंद करने लगे थे, फिर वो चीज मोहब्बत में बदल गई, तो जाहिर फिर माँ बाप भी थोड़े ठंडे हो जाते हैं ना। ये ज्यादा कौन मोहब्बत दिखाने वाला है, एक्सप्रेसिव कौन है? मैं ही कहता हूँ, ये है शर्मीली तो अच्छी।